जोधपुर के ओसिया से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कृषि कार्य करते वक्त दो सगे भाइयों की मौत हो गई। हौद में पाइपलाइन लगाते समय ये हादसा हुआ। एक भाई को बचाने के लिए दूसरे भाई ने प्रयास किए और उसमें ही उसकी मौत हो गई। विधायक दिव्या मदरेना ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से दुख व्यक्त किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये जानकारी जुड़ी हुई है हादसे से। और सहयोगी सुनील ओझा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या पूरा मामला रहा? तो मैं बताना चाहूंगा कि ये कृषि कार्य करने के दौरान ये हादसा हुआ है जी। ये तो क्षेत्र के अंदर जो कृषि कार्य करने के लिए पानी के हौद बनाए रहते हैं, पानी की समस्याओं को देखते हुए बड़ा हौद बनाया जाता है। वहाँ पे पाइपलाइन डालते समय बड़े भाई का पैर फिसल जाने के कारण बारिश हो रही थी। बारिश के बाद ये जमीन सारी गीली हो रही थी और बड़े भाई का पैर फिसल जाने के बाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को बचाने के प्रयास के अंदर दोनों ही पानी के अंदर डूब गई और डूबने से दोनों की ही मौत हो गई। सुनील, अब घर में और कौन कौन है परिवार में? क्या और भी भाई इनके सदस्य? और मैं बताना चाहूंगा कि इनके परिवार में दो ही ये भाई थे और तीन बहनों की सूचना मिल रही है। पिता के दो ही पुत्र थे, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों की ही कृषि कार्य के दौरान मृत्यु हो गई थी। अब इनके परिवार में दो बहनों के कोई भाई नहीं बचा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए।